हेलो बच्चों, लेट्स रीड द गिवन क्वेश्चन. रेफर द गिवन फिगर. व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अडैप्टिव रेडिएशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, बोथ पीएनसी. इस आंसर के लिए जो की कंसेप्ट हम पढ़ेंगे दैट इज एवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. एवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स. पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज अडैप्टिव रेडिएशन. जब एक कॉमन स्पीशीज से ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया में माइग्रेट करते हैं और वहां जाकर नई स्पीशीज में डेवलप हो जाते हैं, देन दैट फिनोमेना इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन. अब देखते हैं अडैप्टिव रेडिएशन में होता क्या है. जब किसी ज्योग्राफिकल एरिया में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज, कुछ मेंबर्स न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज में माइग्रेट करते हैं, न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज, और वहां जाकर वहां के नए वेदर, नए क्लाइमेट से अडेप्ट करने के लिए दे डेवलप न्यू फीचर्स. और जब कई जनरेशन तक वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो ये न्यू फीचर्स उस स्पीशी का पार्ट बन जाते हैं, एंड हेंस अ न्यू स्पीशीज डेवलप. दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड अडैप्टिव रेडिएशन. इस फिनोमेना के दो अदर फेसेट्स भी होते हैं. वन ऑफ देम इज डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड द अदर इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बहुत ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन जैसा ही होता है. इसमें एक कॉमन स्पीशीज से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते हैं. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इज डार्विन्स फिंचेस, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स के कारण एक ही फिंच में से ऐसी फिंच डेवलप हुई जिनके बीक्स अलग थे. दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. कहीं पर वो हर्बीवोर थी, कहीं पर वो इंसेक्ट ईटिंग फिंचेस थी. हेंस दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज. और इस तरह के एवोल्यूशन को नाम दिया जाता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. नेक्स्ट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच आर टोटली अनरिलेटेड डेवलप्स कॉमन या सिमिलर फीचर्स, तो उस एवोल्यूशन को नाम दिया जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. इन द एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स. प्लेसेंटल मैमल्स ये दोनों ही ओरिजिन में बिल्कुल अलग हैं. दे डोंट हैव कॉमन एंसेस्टर, पर दोनों क्लासेस में ऐसी स्पीशीज हैं विच शोज कॉमन फीचर. वन ऑफ द एग्जाम्पल इज एंट ईटर. लेट्स मूव बैक टू अ क्वेश्चन नाउ. सो द करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इज अडैप्टिव रेडिएशन. कॉमन मार्सुपियल एंसेस्टर से डिफरेंट स्पीशीज डेवलप हुए, लाइक तस्मेनियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंट ईटर एक्सेट्रा. Hence, the correct answer is option B, adaptive radiation. Hope you understood the answer well. Best of luck.